एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इंस्टेंट ब्रेड रसमलाई रेसिपी। इस रसमलाई को हम किसी के भी आ जाने पर फटाफट से 10 मिनट के अंदर बना के तैयार करते हैं, और इसे बनाना भी बहुत इजी है। और इसके लिए हमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने पड़ते हैं जो कि हमारे घर पे इजीली अवेलेबल होते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मिल्क 2 कप। तो यहाँ पर हमने 2 कप मिल्क लिया है। अब हम इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर 1/4 कप। अब इसमें जो शुगर है उसे अच्छे से डिसॉल्व हो जाने देंगे। तब तक हम एक बोल लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1/4 कप मिल्क और साथ ही 1/4 कप मिल्क पाउडर। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके इसका मिक्सचर जो हम बनाएंगे वो हम इसी बॉइलिंग वाले मिल्क में ऐड कर देंगे। अब इसे भी हम अच्छे से बढ़िया सा बॉयल आने देंगे। हम इस पर जब तक बॉयल आने देंगे जब तक ये थोड़ा सा थिकनेस नहीं हो जाता। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें थिकनेस होने लगा है, और याद रखें कि आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते जाना है वरना ये नीचे से जल भी सकता है। अब इसके बाद हम फिर से लेंगे एक बोल में 1/4 कप मिल्क, और उसमें हम ऐड करेंगे 9 से 10 सैफ्रन थ्रेड्स, जिसे हम केसर भी बोलते हैं, केसर धागे हम इस पर डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसी मिक्सचर को हम सैफ्रन वाले मिक्सचर को हम उठा के उस वही बॉइलिंग वाले मिल्क में ऐड कर देंगे। इससे जो है ना हमारे रसमलाई का कलर बिल्कुल येलोइश हो जाएगा धीरे धीरे। जब आप देखेंगे इसे, जब आप इसे इसी तरह पकाते चलेंगे, इसे बॉयल करते चलेंगे, तो इसका जो कलर है वो येलोइश हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप कितने अच्छे से इसका कलर आया है, और साथ में इसमें थिकनेस भी बहुत अच्छे से आने लगी है। अब यहाँ पर इस स्टेज में हम जो है गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे कुछ चॉप्ड आलमंड्स, कैश्यू, और आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप पिस्ताचियो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर यहाँ पर हमारी जो रसमलाई है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर वाइट ब्रेड स्लाइसेस। यहाँ पर मैंने 6 to 7 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। इससे हम किसी भी लिड की हेल्प से इसे कट आउट कर लेंगे। आप कोई भी लिड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सारे ब्रेड्स का जो है इसे बढ़िया से सर्कल शेप में कट कर लिया है। तो यहाँ पर ये सारे हमारे जो ब्रेड्स हैं उसको हमने रसमलाई में डालने के लिए अच्छे से कट आउट कर लिया है। अब इसके बाद ये जो हमारे जो बचे हुए ब्रेड्स हैं ना, आप इन्हें ब्रेड क्रम्स बना के किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कटलेट्स वगैरह, और भी आपको जिसमें यूज़ करना हो। अब यहाँ पर जो हमने ब्रेड कट आउट करके रखी थी वो हम इस पर डालेंगे, और इसे ज़्यादा देर तक हम इस पर नहीं रहने देंगे रसमलाई पर। इसे फटाफट से बस 2 बार इसे पलटाना है, और इसके बाद अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये मैंने चारों ब्रेड स्लाइसेस को बहुत अच्छे से इसके एक के ऊपर एक रख दिए हैं, और अब हम इसे भर देंगे पूरा रसमलाई से। तो ये पूरा तैयार है। अब लास्ट में हम इसे गार्निश करेंगे कुछ आलमंड से, कुछ कैश्यूज डालेंगे, आप चाहे तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं, और सबसे लास्ट में हम इसमें केसर के धागे डाल के और इसे फटाफट से सर्व कर लेंगे। और मेरे पास सिल्वर लीफ भी रखी थी, तो मैंने इससे भी इसे अच्छे से डेकोरेट किया है। आप देख रहे हैं कितना टेस्टी दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारी ब्रेड रसमलाई बन के तैयार हो चुकी है। चलिए कब आप भी इस रेसिपी को बनाइए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर, वो भी एक नई रेसिपी के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें।